यार शिवम अपनी यार नीड शिवम जर्नी अपनी शेयर नीड करो। जर्नी शेयर करो। शिवम प्लीज शेयर योर शिवम नीड शेयर योर जर्नी। नीड जर्नी। शिवम नीड शिवम जर्नी नीड नीड जर्नी जर्नी नीड नीड जर्नी जर्नी योर नीड नीड जर्नी नीड जर्नी। जर्नी। तो चलो शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज शिवम फ्रॉम एम्स नागपुर। आई एम करेंटली अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन एम्स नागपुर। 10th तक आई वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। जस्ट बोर्ड्स पास करने के लिए मैंने पढ़ाई किया था कि ठीक है बोर्ड साल पास, तो आई गॉट 10th जी पी इन 10th। ओके, कोटा जाके ये रियलाइज़ हुआ ना कि रेस में काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे ना जो यार 8th से 9th से 10th से, ठीक है, मेरे से दो दो तीन तीन साल पहले से पढ़ाई कर रहे थे नीट। तो जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलते, यू डोंट रियलाइज़ कि बाहर बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर कॉम्पिटिशन कैसा है। तो घर से बाहर निकलोगे तभी पता चलेगा कि कॉम्पिटिशन क्या है बाहर। घर पर बैठे रहोगे तो कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। जब मैं कोटा गया एलन एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों के फ़ोटोज़ लगे होते हैं जो सेलेक्ट हुए होते हैं ना, तो बच्चों के वहाँ फ़ोटोज़ लगे हुए थे। मेरे पापा ने ना मुझे वो देख कर कहा कि एक दिन तेरा फोटो होगा क्या यहाँ पे। एंड दैट डे मैंने पापा को प्रॉमिस किया था कि बिल्कुल एक दिन मैं भी सेलेक्ट होऊंगा एंड मेरा भी फोटो होगा वहाँ पे। सो दिस वॉज द प्रॉमिस आई मेड टू माई डैड, ठीक है। द ओनली फैक्टर जो कि मुझे थोड़ा सा जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ करता था ना, दैट वॉज माई रिलेशनशिप जिसमें मैं था। तो हुआ ये कि लाइफ में जब ऐसे पॉइंट्स आते हैं ना वेयर यू हैव टू चूज़ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो वी डिसाइडेड आई डिसाइडेड वी डिसाइडेड कि लेट्स गिव इट अ ब्रेक, ब्रेक लेते हैं एंड अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। सी वॉज ऑल्सो प्रिपेरिंग फॉर नीट, आई वॉज ऑल्सो प्रिपेरिंग फॉर नीट। 11th का सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, मैं काफ़ी होमसिक फील करने लगा यार। तो आई डिसाइडेड कि ठीक है सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, आई एम डूइंग प्रीटी गुड इन टेस्ट, मैं घर पर जाकर पढ़ाई कर लूँगा। और उस टाइम पर स्टार्ट हो रहा था एल एन के मेजर टेस्ट, है ना, जो फुल सिलेबस 11th का टेस्ट होता है ना, दैट वॉज स्टार्टिंग एट दैट टाइम। और मैं अगर अपनी एक सबसे बड़ी गलती बोलूँ ना यार मेरे नीट प्रिपरेशन के टाइम की, तो वो वही थी कि मैंने मेजर टेस्ट छोड़ दिया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही थी और ये रियलाइज़ होता है मुझे तब जब मैं वापस कोटा गया 12th में, अप्रैल 2017। मैंने 11th का बहुत सारा जो छोड़ दिया था, जो वीक पॉइंट्स रह गए थे, जो वीक एरियाज़ रह गए थे, वो मैंने डेफिनेटली कवर किए। और जब वहाँ पे पढ़ाया जा रहा था, टेस्ट वेस्ट होते थे, तो बहुत काफ़ी बार अंडर 50 आया, अंडर 20 आया, आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट का बैच होता है तो आता था उतना, ठीक है। फिर आ गया दिसंबर 2017 और उसके 5 महीने बाद मेरे पेपर थे। कुछ 1 महीने बाद मार्च में अराउंड बोर्ड्स थे। एक गलती यही हो रही थी ना वहाँ उस टाइम पे कि मैं मॉक टेस्ट जो फुल सिलेबस टेस्ट होता है, इवन वो मेरा सिलेबस कंप्लीटेड था यार, कुछ छूटा हुआ नहीं था, सिलेबस मेरा कंप्लीटेड था, बट नहीं कर पाया मैं, मतलब मॉक टेस्ट फुल नहीं दे पाया और ठीक से मैं रिवाइज़ भी नहीं कर पाया। तो रिवीजन पार्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द ओनली फैक्टर ना, रिवीजन प्रॉपर नहीं होने की वजह से ना मेरा पहली बार में सिलेक्शन हुआ नहीं। बोर्ड्स अच्छे गए, बोर्ड्स में आई स्कोर्ड अराउंड 94%, तो बोर्ड्स वॉज गुड, ठीक है, बोर्ड्स अच्छे गए। नीट का जब टाइम आया ना, मतलब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार एमसीक्यू की प्रैक्टिस छूट गई मेरी, या फिर जितना फ्रीक्वेंटली आई वॉज एबल टू डू ना वो मैं नहीं कर पा रहा था जितना फ्रीक्वेंटली मैं पहले कर लिया। नीट इज़ नो जोक, है ना, कि आप जस्ट थोड़ा बहुत पढ़ के थोड़े बहुत एमसीक्यू सॉल्व करके यू विल क्रैक इट। मॉक टेस्ट एज सच तो नहीं दिया मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट से पहले पहले तक, ठीक है। तो ये गलती मत करना, आई एम रिपीटिंग दिस, जो भी ये वीडियो देख रहे हो ना, ये गलती मत करना कि बिना मॉक टेस्ट सॉल्व किए चले जाओ। नीट हैपेंड, उसके बाद पेपर था नीट का, प्रिपरेशन ठीक ठाक थी, आई वॉज लाइक कि ठीक है, मतलब ठीक ठाक सी है प्रिपरेशन, आ जाएगा 550 तक। तो पेपर दे के आया 502 मार्क्स आ रहे थे, तो मैं वेट कर रहा था कि ठीक है सिलेक्शन मतलब कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ। थर्ड राउंड जब ख़त्म हुआ ना, और कोई सीट नहीं मिला, टूट गया मैं, मतलब ऐसा लगा ना कि लूज़र मेरे से बड़ा कोई नहीं है। 1000 लोग आसपास ताने मारने के लिए, ठीक है, कि बाप का पैसा डुबा दिया, 2 साल पढ़ाई करके कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, जो है अब वही ले ले, बीएससी ले ले, एग्रीकल्चर ले ले एंड ऑल दैट। नीट के नीट का राउंड ख़त्म हो गया एंड इट वाज अगस्त, अगस्त में सारे राउंड ख़त्म हो गए और कहीं कुछ सीट कुछ नहीं मिला, सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर नेक्स्ट 3-4 महीने ना काफ़ी भारी कटे मेरे, ना मैंने कुछ पढ़ा, ना मैं कहीं गया, ना मैं अपने घर से निकला, सिर्फ अपने रूम में परे रहता था, सोचता रहता था। ये 3-4 महीने ऐसे निकले, ठीक है, दिसंबर आ गया और अब बचा नेक्स्ट ईयर के नीट के लिए सिर्फ 5 महीने। मैं दिसंबर तक मैंने 3-4 महीने अपने फिर से वेस्ट कर दिए। और फिर बट लाइफ में ना आपके पास जब कोई ऑप्शन ना हो और आप हारे हुए हो, तो आपको खुद ही खुद को मोटिवेट करके खुद ही उठना होता है,
होंगे, मम्मी पापा होंगे, दोस्त होंगे, फैमिली होगी, बट वो जो इनर स्ट्रेंथ मिलता है ना वो खुद से मिलता है यार। तो वो जब इनर स्ट्रेंथ जब तक डेवलप नहीं करोगे तो कितना भी लोग बोल ले, कितने ही मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक खुद के अंदर से आवाज़ ना आए। एंड आई न्यू कि मेरे मिस्टेक्स क्या थे, दिस इज़ ये पॉइंट नोट करो कि मुझे पता थे कि मेरे मिस्टेक्स क्या थे, और मेरे मिस्टेक्स ये थे कि मैंने प्रॉपर MCQ सॉल्व नहीं किया था प्रॉपरली, मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया था, इवन दो मेरा सिलेबस कंप्लीटेड था, बट क्योंकि मैंने प्रॉपरली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया इस वजह से सिलेक्शन रुका। मैंने किया ये कि मेरा जो सिटी है बिहार में, वहाँ पे एलन के DLP सेंटर्स थे, मैंने वो एलन का मेजर टेस्ट शुरू होने वाला था जनवरी से, मैंने ले लिया वो, मतलब हर संडे टेस्ट होता था, मैं सेंटर पे जाता अपने सिटी में और देता टेस्ट, और पढ़ाई के लिए मैंने सिर्फ अपने पुराने नोट्स जो थे उनको ही रेफ़र किया, सेल्फ स्टडी किया, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे जितने हो सके, फिजिक्स वाला सर के वीडियोज़ देखे। सो लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रिपेयर कराता है JEE नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए विथ बेस्ट प्राइस इन दिस नेशन, है ना। तो द अल्टीमेट एम ऑफ दिस यू नो ऐप इज़ टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एजुकेशन, जहाँ पे एजुकेशन इतना महंगा हो रखा है आजकल, जो चीज़ें यू गेट एट 1 lakh 2 lakh वो फिज़िक्स वाला पे आपको 1000 2000 3000 इस रेंज के मिलते हैं, है ना। तो रिसेंटली फिज़िक्स वाला कम्प्लीटेड 2 years, तो फिज़िक्स वाला इज़ सेलिब्रेटिंग इट्स 2 साल बेमिसाल ऑफ़र, इन विच इट्स गिविंग 50 crore rupees स्कॉलरशिप, एंड यू कैन अवेल द ऑफ़र, यू विल गेट 1000 rupees इंस्टेंट डिस्काउंट। सो गो चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं यार, और बहुत ही अच्छा कोर्स है, यू विल डेफिनेटली लाइक इट, आई एम श्योर ऑफ। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जाओ डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो। तो तुम में से जो भी अगर JEE और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, एक बार ऐप डाउनलोड करके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पढ़ के देखो यार, मज़ा ना आ जाए तो कहना। कमी मेरे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में था, बिल्कुल 90% कमी मेरा यही था कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। तो ये कमी को पूरा करने के लिए व्हाट आई डिड कि मैंने सिर्फ मैं दिन के तो मैं 15 घंटे पढ़ाता था, वो जो लास्ट के जनवरी से मई तक का टाइम था ना, वो दिन के मैं 15 घंटे पढ़ाई करता था, मैं पूरी रात पढ़ता, मैं सुबह 6 बजे सोने जाता और दोपहर के 12 बजे उठ जाता, और फिर पूरे दिन पढ़ता, दिन में 1-2 घंटे का ब्रेक लिया तो लिया, वरना सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। और एलएन के टेस्ट तो देता ही था, उसके अलावा घर पे बैठ के 2 से 5 के बीच में लास्ट के 1 month में मैंने रोज़ एक मॉक टेस्ट सॉल्व किया, डेली, कभी भी मिस नहीं किया उसको, रोज़ एक मॉक टेस्ट सॉल्व किया, बस लैग मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस में रह गया था। तो वो सुधारा मैंने, और वो सुधारते ही देखा मार्क्स आने लगे मॉक टेस्ट में, नीट का पेपर आ गया और गया मैं, काफ़ी डरा हुआ था नीट के पेपर के दिन यार, तो ठीक है, उन पापा का फेस देख के गया मैं कि यार जो करना है पापा के लिए करना है, खुद के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, और काफ़ी मतलब फैमिली से जब आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट करते हो ना कि आपको सक्सेसफुल अपनी मम्मी के लिए होना है, अपने पापा के लिए होना है, अपने घर वालों के लिए होना है यार, उनको एक अच्छी लाइफ देनी है, तो वो जो मोटिवेशन है ना, वो मोटिवेशन कहीं नहीं मिलता फिर, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ, नीट हैपेंड, और नीट दे के आया मैं, पापा की तरफ देखा, स्माइल किया, एंड आई वॉज लाइक पापा हो गया, ठीक है, सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आप पेपर देते हो आपको पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आंसर किससे आई मैच्ड, तो 630 मार्क्स आ रहे थे मेरे। उसके बाद था एम्स का पेपर, एम्स के पेपर के लिए 1 week तो मैंने ब्रेक लिया, उसके बाद फिर 1 week बाद अब आने लगे थॉट्स कि ठीक है इतना पढ़ा, अब 10-15 दिन की बात है, 15 दिन बाद एम्स का पेपर है, वो भी दे लो, ठीक है। तो ठीक है, फिर से रिवाइज़ किया सब कुछ, और एम्स का पेपर भी देके आ गया, और उसका कुछ आंसर कीज एंड ऑल एज सच आता नहीं है सीरियस वाला, कि एकदम मेमोरी बेस्ड होता था, क्योंकि पेपर जब एम्स का हुआ करता था, ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ आया नहीं, तो एम्स के लिए आई वॉज, मुझे पता भी नहीं चलता कि कितना आपने सही किया नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि काफ़ी टफ पेपर होता है एम्स का यार, तो बहुत चीज़ें आप सिली मिस्टेक करके आ जाते हो तो पता नहीं चलता, और ना ही उसका स्कोर एंड ऑल रिवील होता है, तो कितना सही किया, कितने पे कितना क्या मिलेगा, कुछ श्योर नहीं होता था एम्स के पेपर के टाइम पे। और जब नीट का रिजल्ट आने वाला था उस टाइम पे, आई वॉज ऑन ए फैमिली ट्रिप, मेरी फैमिली के साथ मेरी ट्रिप थी, हम सिक्किम गए थे गैंगटॉक, ठीक है, तो वहीं पे थे हम, और उस दिन ही नीट का रिजल्ट आने वाला था, तो ठीक है, मतलब श्योर तो था ही होना है सिलेक्शन, और बट देन ठीक है, जब रिजल्ट आया मार्क्स थे मेरे 625 और हो गया था सिलेक्ट, ठीक है, बट रैंक इन्फ्लेशन था, रैंक वॉज अराउंड 3000 कुछ में था रैंक, ठीक है, तो स्टिल जो खुशी थी वहाँ घूमने की वो 100 गुना बढ़ गई, मतलब एक एक इंसान का कॉल आया, ठीक है, सब ने कॉल किया, सब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो उस दिन के लिए पढ़ो, ठीक है, जब आप 2-3 साल मेहनत करने के बाद जब आपको वो खुशी मिलेगी ना, वो वर्थ इट होगी, ये लिख के ले लो कि वो खुशी जो मिलेगी वो वर्थ इट है, वो अपने पेरेंट्स के फेस पे जो आप स्माइल देखोगी वो वर्थ इट है, अपने पेरेंट्स के लिए जो आपने किया है वो वर्थ इट है। सीधा जब रिज़ल्ट आया ना, रिज़ल्ट देखा,
मैंने पापा के पास गया, मम्मी के पास गया, वी वर इन अ होटल, वहाँ जाके मैंने सीधा बोला पापा डॉक्टर बन जाऊँगा अब मैं। तो इमोशनल मोमेंट, ठीक है, काफ़ी इमोशनल मोमेंट। मेरे जो मामा थे ही लिटरली ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक। उस दिन आई रियलाइज वन थिंग कि ज़िंदगी में जिसने एक बार में जीत देख ली ना, जिसने हार कभी देखा ही नहीं, उससे ज़्यादा जीत की कीमत ना उस इंसान को पता है जिसने ज़िंदगी में हार को देखा है, जिसने ज़िंदगी में हार को महसूस किया है। तो क्योंकि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल हुआ था और दूसरे बार में हुआ सेलेक्ट, बहुत लोग तीसरे बार में भी होते हैं, चौथे बार में भी होते हैं, तो उनको उस चीज़ की खुशी ज़्यादा मिलती है, ये बात है। जिस दिन तुम अपने घर वालों को जाके प्राउडली कह सकोगे कि हाँ मैंने क्रैक कर लिया, अब मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, तो वो जीत परमानेंट है। उस जीत के लिए मेहनत करो, अपने पापा मम्मी को वो खुशी देने के लिए मेहनत करो, उस स्माइल के लिए मेहनत करो, वो लाइफ जो तुम अपने पापा मम्मी को दे रहे होगे उसके लिए मेहनत करो यार, क्योंकि अगर तुम मेहनत करना नहीं छोड़ोगे ना तो कभी ऐसा नहीं होगा दैट यू विल बी अ लूज़र। अगर मेहनत कर रहे हो तो किसी ना किसी पॉइंट पे तुम्हें जीत ज़रूर मिलेगी। और ये फिक्स, दैट इज़ इट फॉर माय वीडियो, होप यू लाइक दिस माय नीट स्टोरी, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप स्क्रॉलिंग माय शॉर्ट्स।